गुप्ता जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। 2000 रुपया ज्यादा हम दबाव नहीं डालेंगे। 2000 रुपया आपकी तरफ से, 4000 कमेटी की तरफ से, तो 4000 कमेटी वाला आप दीजिएगा कि 2000 आप दीजिएगा। 2000 बोले हैं, 2000 इनके तरफ से, 4000 कमेटी की तरफ से गुप्ता जी के नाम पर, संजय गुप्ता जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई जोगी अभी समय जो जीतेगा 25%, सुनिए, जो जीतेगा कमेटी के पैसा, अच्छा है वो मिला के 6000 हुआ है, उस समय 25% हारने वाले के 75% जीतने वाले को एक तरफ लाल बाबू पहलवान परसा जिंदा प्रदेश नंबर 2 और एक तरफ सनी सहारी पक्के बाग गोरखपुर कुश्ती का समय 10 मिनट होगा। और दोनों पहलवानों से निवेदन है, कोई पहलवान छोड़ कर नहीं भागेगा। चलिए 10 मिनट घड़ी देखते रहिएगा। देखिए भाई, घड़ी के समय भी कमेटी के लोग देख रहे हैं, फैसला हमारे अंपायर दे रहे हैं, जो ये कहेंगे वही हम बोलेंगे, वहाँ समय वो जो कहेंगे वही हम बोलेंगे। लोग जनता बोलने के वजह से लोग कहते हैं नहीं बाबा समय बढ़ा दिए, बाबा समय घटा दिए। अभी जो कुश्ती लड़का हारा है आए कहा कि हम जीत गए, आपने बोला क्यों नहीं? अरे हम कैसे बोल देंगे, वहाँ पर वो है वो बोलेंगे, तभी तो हम बोलेंगे। जब एम्पायर जो कहेगा कि हम फैसला देगा, जिसको नाम बोलेगा उसी को तो हम बोल सकते हैं, अपने मर्जी से नहीं, वहाँ थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि हो गया रेफरी साहब, हो गया। धीरे नहीं पड़ना है गड़बड़ा जी। पहलवानों से निवेदन, कोई ढूंढने पड़े अपने आप मत छोड़िए कोई पहलवान। परसा जी ने देखे, आप लोगों से पूरा पर्चा बता दो, ये लाल बाबू पहलवान 86 किलो छोड़ के खड़े हो जाओ पहलवान, छोड़ा दीजिए इधर छोड़ाइए, ये 86 किलो वजन में अभी अभी 15 दिन पहले ये पहलवान 86 किलो वजन में स्वर्ण पदक जीता पूरे नेपाल में, अभी कम पे काठमांडू बैठेगा। और जिस समय ये अगर जो उस समय फर्स्ट सेकंड के कैंप लगेगा, उसमें जो जिसको ये हराया है, और ये पहलवान को भी नाम आप लोगों के सामने बता देता हूँ, यही हमारे जो धर्मेंद्र पहलवान है अपने गलती से हारे हैं, पहले राउंड में इनके ऊपर 8 पॉइंट बनाए थे, बाद में जाके वो थक गए, ये पहलवान जीत गए, लाल बाबू पहलवान फर्स्ट है, सेकंड धर्मेंद्र पहलवान सिलवटिया के हैं। ये दोनों पहलवान कैंप में बैठेंगे 4 महीना, सरकार के अन्न दाना खाएंगे, विदेशी पहलवान इनको सिखाएंगे, और विदेश जाते समय फिर दोनों के कुश्ती होगा, ये धर्मेंद्र में जो पहलवान जीतेगा वो विदेश जाएगा, ये नियम है रोल पूरे दुनिया का। और देखिए हम भी आए हैं उसी में 80 किलो, हम भी आए हैं, हम भी कैंप में बैठेंगे, अगर जीतेंगे तो हम भी एक बार मौका मिला है जाने का। देश नेपाल के तरफ पहलवान जाएंगे, अभी अभी आपके सामने आएंगे, राजा पहलवान 120 केजी में वो जीते हैं, आप लोग के बता दें 2 पॉइंट से ये धर्मेंद्र पहलवान को जीते हैं, ये फर्स्ट है, धर्मेंद्र सेकंड है, यही दोनों कैंप में बैठेंगे, और इसमें 2 मिनट के दोनों के फिर कुश्ती होगी, जो जीतेगा वो विदेश जाएगा। जो भी आप लोगों के अच्छा लगेगा बताना।